बस एक दो मिनट जो है अच्छा जी, जो ऐड हो गए हैं बस मैंने चूंकि ये काम खत्म करना है तो मैं ये बता रहा था कि आपने क्या है ये पॉइंट बी से टी तक गया वो डिस्प्लेसमेंट एस एज्यूम कर लिया, ठीक हो गया ना। और ये जो है वो कितना बन गया आगे जो है वो अच्छा जी, अच्छा जी अब हॉरिजेंटल मैंने इक्वेशन मैंने क्या लिखी है टारगेट पे, मैंने लिखा है कि वी टी एक्स यानी टारगेट का हॉरिजेंटल पे वेलोसिटी कितनी वी एक्स के बराबर आ जाएगी, और ये 8 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई, और यहाँ पे एक्स टी के बराबर डायरेक्ट मैंने लिख दी है, ये आप देख लेना बाद में, 31.8 cos t a t आ गया, ठीक है ना, ए से लेकर टी तक का टारगेट। फिर वी टी वाई क्या लिखा है 31.sin θ + 9.81 t आ गया, और ये आ गया ठीक है ना, ए टी तक टारगेट तक, वाई टी किसके बराबर है sin θ t a t, ये आ जाएगा। अच्छा अब इक्वेशन नंबर 1 से मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो समझना कि एक्स टी किसके बराबर है, एक्स टी मैंने लिखा है कि वो आ जाएगा 60, देखें ये और आगे ये कितना आ जाएगा, ये देखें कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना बनेगा, ये देखें ये एस है तो इसका एंगल 37.5 डिग्री है ना हॉरिजेंटल के साथ, तो इसका बन जाएगा S cos 37.5 डिग्री, तो ये आपने 60 में ऐड कर देना है तो ये चीज आ जाएगी S cos 37, ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा इसके बराबर यानी 31.94 t a t के बराबर, इक्वेशन नंबर 4 आ गई, सही है। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर जो है वो जो थर्ड है वो क्या आ जाएगी जो कि वर्टिकल वाली है, उसमें आ जाएगा कि वाई टी किसके बराबर है, ये 30 है तो इसका वाई कंपोनेंट कितना बन जाएगा S, और साइन जो है वो 37.5, ये आ जाएगा 31 और प्लस 9.45 t a t स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से हमने क्या है कि S को जो है वो इन टर्म्स ऑफ t a t लिख लिया, ये लिख लिया, ये आ जाएगा इसके अंदर जो है ना वो, अब हमने इक्वेशन नंबर जो 5 थी उसके अंदर जो है वो एस की वैल्यू पुट कर दी है, जस्ट जब वैल्यू पुट की है तो यहाँ से टी ए टी में ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक, ये देख लें तो ये टी ए टी में ये क्वाड्रेटिक जाके बनती, बाद में आपने सॉल्व करना है -1.16.4। यहाँ से अब दो टाइम आ गए, बहुत अहम बात चल रही है कि यहाँ से दोनों टाइम पॉजिटिव आ गए तो अब आपने कौन सा टाइम लेना है, ये बहुत अहम है। अब देखते हैं कि जब आप 2.92 पे टाइम लेते हैं तो एस आ जाता है 40.78, ठीक है ना, एस कितना आ जाता है 40.78, ठीक है, और जब आप 1.11 लेते हैं तो वो भी देखते हैं। अच्छा यहाँ से जो है वो देखते हैं कि एस कॉस 37.5 जो है वो था 32 जो है वो 5 के बराबर था, और एस साइन 35 जो है, चूंकि एस की वैल्यू उधर से हमने निकाल ली है ना 24.82, तो अब एक्स टी किसके बराबर आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आपने निकालने थे ना, तो बस आपने क्या है ये जो आपने जो दोनों ये टाइम 292 लिखा है ना उसके अंदर एक्स टी की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा 92.35, और वाई टी की वैल्यू आ गई ये डायरेक्ट उसके अंदर पुट किया तो 54 ये आ गया, ठीक है ना, तो डी जो है ना वो ये कोऑर्डिनेट आ गया, सही है। तो अब आपने क्या है 2 जो है वो 92 जो है वो ये टाइम आपने जो है वो ये ले लिया, ठीक है ना, पॉजिटिव, ठीक है। जो 1.11 वाला जो है वो ये टाइम है ये हमारे पास जो है वो इनकोरेक्ट, इसमें जो है ना वो डिस्टेंस देना है, ठीक है, तो ये 2.92 वाला जो है वो ये टाइम आपने ले लेना है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से जो है ना वो कर लेना, और मैं अब जो है वो मीटिंग को जो है वो एंड कर रहा हूँ, ठीक है, और थैंक यू फॉर ऑल योर कोऑपरेशन, ठीक है ना, 1.738 जो है ना वो ये आ रहा है, सही है।
तो ये आ गया सर, रिकॉर्डिंग सोल्यूशन डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, मैं कर दूंगा। प्रॉब्लम आपको मैंने सारे करवा दिए हैं और बाकी जो रह गए हैं वो आपके जिम्मे हैं, और अल्लाह खैर करे। ये यहाँ से आंसर दिखा देता हूँ, ये प्रॉब्लम था जी 2/83 था प्रॉब्लम। तो 2/83 जो है वो ये देखिए, D107 आ जाता है और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है वो 292 आ जाता है। 1.11 जो है वो रॉन्ग है, जो कि उससे जो है ना वो आंसर जो है ना वो आपका नहीं आना, ठीक है ना सर। कितने आर्टिकल्स मिड में अपड़ में है, ये पूरा चैप्टर 2 और जो अगले चैप्टर का एक आर्टिकल जो है ना वहाँ हमने इंशाल्लाह करना है, तो आगे जो है वो 3-4 आर्टिकल्स रहते हैं, कोई मसला नहीं, आगे आसान आसान ही है। लें जी, मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। तो स्टॉप शेयर करें और इसको एंड करें।